सो गाइस, जिस चीज़ का आप सभी को इंतजार था बिग बॉस के वीकेंड वॉर का, वो आ चुका है। अनिल कपूर स्टेज पे आते ही सभी घर वालों के साथ मजाक करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि खाने को लेकर बिग बॉस के अंदर कैसी कैसी बातें चलती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसी के बीच यहाँ पर अनिल कपूर खाने की टेबल के साथ वहाँ पर आए और घर वालों को जलाने की कोशिश की। हालांकि घर वालों को जलन तो हुई होगी और कहा होगा कि भाई ये देखो कैसे खा रहे हैं और हमें यहाँ पे कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा। फिर वहीं पर वो बात करने लग गए कटारिया को लेकर। कटारिया का बोलने लगे कि भाई तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, इतनी खतरनाक है कि बस पूछो मत, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप उन्हें जानते हो। तो वहीं पर जब लव कटारिया को बोला गया कि भाई जब तुम्हें या ऊपर रणबीर की वीडियो चल रही तो नीचे लव कटारिया के कमेंट चल रहे होते कि लव कटारिया ये लव कटारिया वो, मतलब एलविस आर्मी की तरफ से यहाँ पर उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो इस पर अनिल कपूर बोल रहे हैं कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, आप इससे भी ऊपर जा सकते हो अगर अपना कुछ करो तो। और अनिल कपूर ने पूछा कि भाई वो लोग कौन है जो ये कॉमेंट वगैरह करते हैं। तो लव कटारिया बोलते हैं कि भाई वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है और हमें देखना चाहते हैं लाइव। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए वो हमें देखने वाले ही हैं। तो भाई ये बात सुनकर अनिल कपूर भी बोले भाई ठीक है, वो देखने वाले हैं, तुम्हें देखते हैं, अच्छी तरह देखते हैं, कोई नहीं, हम भी मानते हैं आपके दोस्त हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, सब कुछ है। लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकते कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप उन्हें लाइव कुछ दिखा भी नहीं रहे हो लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप और कॉन्फिडेंस हो गए हो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भाई बिग बॉस के बाहर भी एक दुनिया है, एक जनता है जो कि आपको और भी आगे और भी ऊपर लेके जाएगी। इसलिए कुछ अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करो, अच्छा कुछ बनाओ और यहाँ पर अच्छा कुछ दिखाओ। वहीं पर फिर विशाल के बारे में भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारी भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, क्या तुम भी यही मानते हो? तो वहीं पर विशाल कहते हैं कि लोग मुझे रियल देखना चाहते हैं, मैं रियल हूँ या नहीं हूँ वो देखना चाहते हैं। तो अनिल कपूर से भी उन्हें भी बोलते हैं कि भाई तुम्हें देखना चाहते हैं रियल तुम, लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे हो, इसलिए करो। आपके यहाँ पर फैन फॉलोइंग ज़रूर है लेकिन आपको यहाँ पर कुछ करना भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा काम करो, इसीलिए यहाँ ये सब कुछ चलेगा। फिर से दोबारा पे अनिल कपूर यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर लव कटारे के ऊपर और लव कटारे को बोलते हैं मैंने आपको ये जो बातें बोली है ना, इसके बाद मेरे को पता है मेरे को हेट मिलने वाला, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कोई हेट देता है या नहीं देता है। तो इससे मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा, उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आपको सपोर्ट करे ना, तुम खड़े होकर कह दो कि मेरे को ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एलविस आर्मी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ उसके साथ उसके नाम से उसके काम से जज किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है या एलविस यादव आपकी दोस्त की फ़ैन फॉलोइंग है वो आपको सपोर्ट करे और आप कहो कि भाई मैं विनर हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कुछ। तभी वहाँ पर लव कटारे भी खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे को मेरे कॉन्टेंट मेरे जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से जज किया जाए, ना कि मेरे दोस्त की फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से मेरे को यहाँ पर माना जाए। तो ये सब बातें आज के वीकेंड वॉर में हुई है। आपको क्या लगता है साथियों, अनिल कपूर ने सही किया या नहीं किया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना और आप बिग बॉस किसे विनर मानते हो ये भी कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।